नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन सीओ ने 2 ग्राम रोजगार सहायकों SCN 3 सचिवों के निलंबन आदेश जारी किए। रायसेन के बाड़ी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं का जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सफल क्रियान्वयन हो, विकास और निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूर्ण हो, इसके लिए जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया द्वारा पंचायतों का भ्रमण कर निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही जनपद स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को बाड़ी जनपद पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रभा पटेल, उपाध्यक्ष अंकित ठाकुर तथा जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भदौरिया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें बाड़ी विकास खंड अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक उपस्थित रहे। बैठक में ग्राम स्तर पर संचालित शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्राम पंचायतवार समीक्षा की गई। इस दौरान जिन ग्राम पंचायतों की प्रगति कम पाई गई, उन ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव को कार्य में गति लाने हेतु निर्देशित किया गया। समीक्षा के दौरान अत्यंत कम प्रगति वाली ग्राम पंचायत गदरवास के ग्राम रोजगार सहायक राकेश कुमार ठाकुर तथा ग्राम पंचायत खंडराज के ग्राम रोजगार सहायक बलवंत सिंह ढाकर को जिला पंचायत सीईओ द्वारा बैठक में ही कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। इनके अतिरिक्त योजनाओं के क्रियान्वयन तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लगातार लापरवाही बरतने वाले ग्राम पंचायत मालझिर के पंचायत सचिव भगवंत सिंह चौहान, ग्राम पंचायत भोंडिया की पंचायत सचिव श्रीमती अर्चना धाकर, ग्राम पंचायत मोकलवाड़ा के पंचायत सचिव सुरेश कुमार ठाकुर के निलंबन संबंधी आदेश जारी किए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने सभी उपयंत्री, सहायक यंत्री, विकास खंड समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास, NRLM को लक्ष्य अनुसार प्रतिपूर्ति किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में लक्ष्य अनुसार प्रगति में सुधार नहीं आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, साथ ही अच्छा कार्य करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भदौरिया द्वारा गत दिवस गैरतगंज जनपद के ग्राम हरदौट में शासकीय माध्यमिक शाला का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को वितरित किए जा रहे मध्याह्न भोजन को चखकर गुणवत्ता जानी, साथ ही छात्र छात्राओं से भी मेनू अनुसार नियमित मध्याह्न भोजन वितरित होने की जानकारी ली। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन समय पर वितरित हो, ये सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बच्चों को वितरित किए जा रहे मध्याह्न भोजन का सैंपल भी रखा जाए। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट।